नमस्कार, मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। बरमामा इसके ईस्ट प्लांट बस्ती स्थित सामुदायिक भवन में डॉक्टर जे सी पति मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से आज निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। कैंप की संचालिका श्री राजश्री दीदी ने बताया कि कैंप का उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिन्हें मोतियाबिंद है, फिर ऐसे लोग जो अपने नेत्रों से देख नहीं पाते या जिन्हें अपनी आंखों से किसी भी प्रकार की समस्या रहती हो, ऐसे लोगों की जांच कर उन्हें मुफ्त में उचित इलाज मुहैया कराए जाएं। राजश्री जी ने बताया कि उनके पिता श्री जेसी पति का यह उद्देश्य था कि वह नेत्रहीनों और जिन्हें आंखों के चलते कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों की सहायता कर सके। उन्हें बताया कि ऐसे कैंप हमने जमशेदपुर में कई जगह आयोजित किया है, प्रतिवर्ष आयोजन करते रहेंगे। मैं दुर्गा राव वर्मा मिश्र निवास करता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राय जी के पार्टी से हूँ, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के, और पूर्वी विधानसभा का सहसंयोजक हूँ। आज हम लोगों ने इस्प्लान बस्ती में एक कैंप लगाए हैं अटल सामुदायिक भवन में, निःशुल्क मोतियाबिंद जांच का, और बहुत अच्छा से सारे लोग आ रहे हैं, जांच करवा रहे हैं अपने अपने, और जिनको भी मोतियाबिंद अगर हो गया है, आप आई टेस्ट तो हो रहा है, मोतियाबिंद हो गया है, ब्रह्मानंद में निःशुल्क उन लोगों का ऑपरेशन होगा। और ये सेवा है और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग सेवा कर रहे हैं, और राजश्री दीदी है यहाँ पे हमारी, और इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किए हैं दीदी, और सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि आई टेस्ट आज जो कैंप लगाए हैं बर्मा माइंस में, और ऐसा सेवा हमेशा होता रहे, तो हम लोग बढ़ चढ़ कर आगे है सेवा देने के लिए। कैंप लगाने का उद्देश्य यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाके आई हॉस्पिटल में नहीं करा पाते हैं, किन्हीं के पास मान लीजिए पैसा रहता है, किन्हीं के पास नहीं रहता है, और बहुत ऐसे लोग हैं कि टाइम भी नहीं निकल पाती है महिलाएं अपने घर को बच्चों को निकाल के, तो इसलिए यही उद्देश्य लगा है कैंप की बस्ती में कि सारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को परेशानी ना हो, और बहुत ही आसानी से और क्षेत्र पे ही हो रहा है, और सारे लोग अपना अपना जांच करवा लें, और जांच हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, और किन्हीं को भी प्रॉब्लम होगा तो ऑपरेशन भी निःशुल्क होगा, यही उद्देश्य है। जांच और ऑपरेशन के यहाँ कैंप लगाए हैं, इसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनको यहाँ से डेट दिया जाएगा, और आगामी 27 तारीख को पूर्णिमा नेत्रालय ब्रह्मानंदा में उनकी फ्री ऑपरेशन होगी मोतियाबिंद की, उसी को लेकर के आज पावन अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमने यहाँ कैंप लगाया है। क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि अगर कोई ऐसे पेशेंट है, आँख एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आप ना हिल पाएंगे, ना कुछ कह पाएंगे, ना कहीं जा पाएंगे, ये बहुत ही अहम एक ऑर्गन है शरीर का, तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति अपना किसी भी अभाव के वजह से अगर ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है तो ये निःशुल्क हम अपना कैंप में करवाते हैं, और ये एक नहीं कि एक जगह मैंने करवा चुकी हूँ, आगे भी मेरा यही मुहिम रहेगा कि जो व्यक्ति अगर करा नहीं पा रहे हैं तो मेरे ये छोटी सी प्रयास है कि उनको ये दृष्टि मिले, और वो समाज इतनी खूबसूरत भगवान का बनाया हुआ ये चीज़ है उसका वो देख पाए और उसका लाभ उठा पाए। डॉक्टर जे सी पति मेमोरियल सोसाइटी, राजश्री दीदी। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अपने दो दिवसीय दौरे के लिए मेघालय पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने मावियों में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज मैं मेघालय और संपूर्ण पूर्वोत्तर की जनता को बधाई देना चाहता हूं। यह अंतरराज्यीय बस टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। इस दौरान मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक यहां विकास हुआ है। 6.5 लाख लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे और अब हर कोई बैंक खाता धारक है। अमित शाह ने कहा कि हर घर में सैनिटरी आउट हाउस है। उन्होंने कहा कि सीएम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पीएम द्वारा प्रदान किए गए अनुदान के साथ लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए मेघालय पहुंचे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमित शाह मेघालय में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और राज्यों के पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें अन्य मुद्दों के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का मामला भी उठने की संभावना है। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री के साथ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।